हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बोलोतास किचन। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे रेड कलर के बटन प्रेस करके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। आज की रेसिपी है रागी के पकौड़े, एकदम न्यू स्टाइल, यूनिक है। इस तरह से मैंने 4 चम्मच रागी पाउडर, थोड़े से बीन्स, 2 हरी मिर्ची चॉप किया हुआ और 1 बॉयल मैश पोटैटो है, 1 ऑनियन चॉप्ड है। आप चाहे तो आलू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्ची यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो मत डालें। चलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, थोड़ी सी जीरा पाउडर डाल दें, थोड़ी सी धनिया पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो अजवाइन, ब्लैक पेपर क्रश किया हुआ आप डाल सकते हो। चलिए सभी चीज़ों को डाल देंगे। यहाँ पर आलू मैंने यहाँ पर बैंडिंग होने के लिए डाले हैं ताकि उसका मजबूती से अच्छी तरह से पकड़ रहे। सारी चीज़ों को डाल देंगे और टेस्ट भी, आलू भी बच्चे को बहुत पसंद होते हैं। इसी तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गए, अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़े थोड़े करके और एक अच्छी तरह से हार्ड डो बना लेंगे, एकदम अच्छी तरह से स्मूथली हार्ड डो। इसी तरह से अब बना लें। चलिए हो गए हैं बन, रेडी हो गए हैं। अब इसका हम छोटे छोटे लोहे निकाल के गोला बना लेंगे। देख सकते हो इसी तरह से हॉट डो। ये रागी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ये ब्लैक ब्लैक दिखते हैं पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चे भी बहुत आराम से खा लेते हैं। इस तरह से गोला बना के उंगलियों के मदद से प्रेस कर करके एकदम पतले पतले गोल गोल छोटे छोटे बना ले। इसी तरह से आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, सॉस के साथ, सलाद के साथ, और आप शाम के नाश्ता के टाइम भी आप दे सकते हो बच्चे को, बड़े भी खा सकते हैं, चाहे सबको इसको खा सकते हैं। चलिए ये तो डीप फ्राई नहीं होते, ये शैलो फ्राई होते हैं, इसलिए 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल हम गरम करने के लिए छोड़ दिए हैं। अब डाल देंगे, तेल हमारा गरम हो गया है, अब पकौड़े के डाल देंगे। इसी तरह से मीडियम रखेंगे फ्लेम को और अच्छी तरह से एक साइड करके फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगते हैं, नीचे एक साइड फ्राइड हो गया है, देख सकते हो फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से पलट देंगे इसे। इसी तरह से बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं ये और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। दूसरे चीज़ों को पकौड़े खिलाने से अच्छे हैं आप बच्चे को इसी तरह से रागी के पकौड़े बना के खिलाइए, बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जिनके बच्चे रागी नहीं खाते हैं आप इसी तरह से बना के एक बार ट्राई करें, देखें, वो बच्चे ज़रूर खाएंगे। चलिए दूसरे साइड भी रेडी हो गए हैं, निकाल देंगे। चलिए निकाल दिए हमने इसने, इस तरह से मैंने सर्व कर दिए सलाद के साथ। आप इसमें सॉस या अपने तरीके से किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें और बच्चे को टिफ़िन में शाम के नाश्ते का टाइम आप इसे दे सकते हैं बच्चे को, बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।